हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकेत ग्रुप ऑफ कोचिंग। आई एम संकेत पुरोहित। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू योर चैप्टर नंबर 7th ऑफ साइंस, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टुडेज टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद योर हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। ओके, और यू कैन से ग्रुप्स। तो ये हायरार्की हुआ किसकी वजह से थे या किस किस साइंटिस्ट में साइंटिस्ट लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया था वगैरह हम लोग देखेंगे। सो सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट फॉर क्लासिफिकेशन इन विच ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड द हायरार्की। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की? अगेन, ये अरेंजमेंट है जिसको क्लासिफाई करना है उनके लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से, उसको बोलते हैं हायरार्की। एंड अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट कैटेगरी एट अ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोन। तो यहाँ पे एक आप लोगों को नया वर्ड देखने को मिलेगा और वो है टैक्सोनॉमी। एक्चुअली उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो वो टैक्सोनॉमी क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच अ डेफिनेट कैटेगरी एट डेफिनेट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको बोलते हैं टैक्सन। फॉर एग्जाम्पल इट इज नोन, वन ऑफ देम इज फाइलम। ओके, नाउ बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हेकल, विच इज 1894, एंड रॉबर्ट विटेकर इन 1959। ओके, यहाँ पे आप लोगों की टेक्स्ट बुक में 1969 लिखा है, लेकिन इन 1959। एंड वन मोर बायोलॉजिस्ट, दैट इज कार्ल वोस, इन 1977 क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू अ ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम्स। तो तीन बायोलॉजिस्ट ने मिलके पांच किंगडम बनाए थे। वन अर्नेस्ट हेकल इन 1894, देन रॉबर्ट विटेकर इन 1959 एंड कार्ल वोस इन 1977। ओके, विटेकर्स क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनना, ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव फाइव किंगडम्स। तो विटेकर जी ने फाइव किंगडम्स बनाए थे। वन मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमलिया। नाउ फिर क्या हुआ जो हम लोग वाइडली यूज करते हैं, लेकिन वूस जो थे, कार्ल वूस, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टू मोर थिंग, दैट इज आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया और यू कैन से यू बैक्टीरिया, और फिर उसको डिवाइड किया मोनेरा में। ठीक है, सो बाय डिवाइडेड किंगडम मोनेरा। नाउ क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द ग्रुप्स एट वेरियस लेवल्स इन द स्कीम विच इज एज फॉलोज। ठीक है, जैसे किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिविजन फॉर प्लांट्स, ये याद रखना हा, फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिविजन फॉर प्लांट्स। तो किस तरह से ये क्लासीफाई हुआ था? तो सबसे पहले आता है क्लास, फिर उसके बाद आता है ऑर्डर, देन आता है फैमिली, एंड देन आता है जीनस, एंड लास्टली इट विल कम स्पीशीज। देखो जैसे मैंने बताया, किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिविजन फॉर प्लांट्स। तो किस तरह से वो कौन से क्लास में होंगे, कौन से ऑर्डर में होंगे, कौन सी फॉर्मिली को बिलोंग करते हैं, जीनस से हैं और कौन से स्पीशीज से हैं। सो अ ब्रीफ आइडिया ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज एज बिलो। ठीक है, तो सबसे पहले एक्चुअली ऐसे स्टार्ट होता है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर एंड फाइनली क्लास। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड स्पीशीज? It is the basic unit of classification. It is a group of individuals capable of interbreeding among themselves to give birth to fertile offsprings. That is, example मैं बताता हूँ, horse, उसको है ना equoscabulous बोला जाता है, and ass अपना मतलब गधा, equinus are different species. तो अलग अलग स्पीशीज जो है, ये स्पीशीज जो है बेसिक क्लासिफिकेशन है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो लोग इंटरब्रीडिंग करके अपने नए बच्चे को कैसे जन्म दे। तो दो अलग अलग स्पीशीज है, एक है अपना हॉर्स और दूसरा है एस। देन कम्स जीनस।
कंसिस्टिंग ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज रैंक्ड हायर देन स्पीशीज। ठीक है, ये और ये जो जीनस है, ठीक है, या जीन्स भी बोलते हैं इसको, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज रैंक्ड हायर देन स्पीशीज। ठीक है, एग्जाम्पल, डॉग एंड वुल्फ बिलोंग टू द सेम जीनस एंड दैट इज कैनिस, CANIS। देन कम्स योर फैमिली। फैमिली में क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा हैविंग सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू फॉर्म अ फैमिली। एग्जाम्पल, कैट एंड लायन बिलोंग टू द सेम फैमिली विच इज ऑल्सो नोन एज फेलिडे। ठीक है, FELIDAE। देन कम्स योर ऑर्डर। सो असेंबलेज ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल, टाइगर एंड वुल्फ बिलोंग टू द सेम ऑर्डर कार्निवोरा, मतलब कार्निवरस में से ये वर्ड निकला है। ये इनका जो ऑर्डर है वो सेम है, क्योंकि और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है तो उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं इन ऑर्डर। एंड एग्जाम्पल्स, टाइगर एंड वुल्फ बोथ बिकॉज उनको सेम ऑर्डर में स्पेस दी गई है बिकॉज दे आर कार्निवरस। एंड लास्ट कम्स योर क्लास। क्लास में ऑर्गेनिजम्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर और ऑर्डर्स हैविंग सिमिलैरिटी आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ क्लास। फॉर एग्जाम्पल, रैट्स, कैमल्स एंड मंकीज आर ऑल इंक्लूडेड इन सेम क्लास एंड दैट इज मेमलिया। ठीक है, रैट्स, कैमल्स एंड मंकीज आर इंक्लूडेड इन द सेम क्लास एंड दैट इज मेमलिया। नाउ कम्स, जैसे बताया, फाइलम एंड डिवीजन। तो फाइलम किसके लिए काम आएगा? वो फाइलम एनिमल्स के लिए। और डिवीजन किसके लिए? तो डिवीजन होता है आप लोगों का प्लांट्स के लिए। तो लेट अस बिगिन विथ फाइलम। द डिफरेंट क्लासेस हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कॉमन इन देम एंड आर प्लेस्ड अंडर सेम फाइलम। फॉर एग्जाम्पल, फाइलम कॉर्डाटा विथ ऑल एनिमल्स हैविंग नोटो कोड। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किंगडम। ठीक है, किंगडम क्या है? हाइएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिस्टिंग्विशिंग इन अ सेट ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। अंडर द किंगडम द ऑर्गेनिजम्स हैव सॉरी अंडर द किंगडम द ऑर्गेनिजम्स हैव सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर सेम एंड देयरफॉर दे आर प्लेस्ड टूगेदर। इसीलिए ऐसा बोला गया है, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमलिया। नाउ फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन कैसा होता है? ठीक है, तो विटेकर जो बायोलॉजिस्ट है, वो बायोलॉजिस्ट विटेकर हैज क्लासिफाइड किंगडम्स इन सॉरी इनटू फाइव किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थ्री लेवल्स। वन इज योर सेल स्ट्रक्चर, दैट इज वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देन सेकंड, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मींस आइदर दे आर ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक। एंड लास्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आइदर दे आर यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। सो मैं वापस डिस्क्राइब करूं तो ऑर्गेनिजम्स, अगर ऐसे ऊपर टेबल के फॉर्म में देखना, तो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक्स हो सकते हैं, यूकैरियोटिक्स हो सकते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक्स में एक यूनिसेल्यूलर होगा और वो यूनिसेल्यूलर को मोनेरा डिस्क्राइब किया है, बराबर है। वेयर एज यूकैरियोटिक्स में क्या होगा? यूनिसेल्यूलर एज वेल एज मल्टी सेल्यूलर। फिर वो यूनिसेल्यूलर में आता है प्रोटिस्टा, लेकिन मल्टी सेल्यूलर में वापस दो चीज, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। अगर विथ सेल वॉल है तो वापस दो चीज, एक जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है और दूसरा जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है तो उसको नाम दे दिया है फंगाई,
और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है उसको नाम दे दिया है प्लांट ए। और मल्टीसेल्यूलर में जो दूसरा है विदाउट सेल वॉल वो है आपका एनिमलिया। तो वापस मैं एक्सप्लेन करता हूं, ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स के दो पार्ट, दो पार्ट मतलब प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक का एक सिंगल पार्ट कि वो कैसा है, यूनिसेल्यूलर है, वो यूनिसेल्यूलर है तो उसका एक और पार्ट उसको बोलते हैं मोनेरा। अब यूकैरियोटिक्स पे आ जाओ, यूकैरियोटिक्स के दो पार्ट यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का वापस एक पार्ट प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के दो पार्ट, एक विद सेल वॉल विदाउट सेल वॉल, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मल्टी सेल्यूलर के दो पार्ट विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल अगर है उसमें वापस दो पार्ट, जो एक फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है, मतलब अपना खाना खुद से परफॉर्म नहीं करता है, और एक जो अपना खुद का खाना खुद से परफॉर्म करता है, मतलब डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस है तो वो हो गया आपका फंगाई, एंड अगर वो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस है तो वो हो गया अपना प्लांट है। एंड विदाउट सेल वॉल देन वी कैन क्लासिफाई देम इज एनिमलिया। दिस इज रियली रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस स्टडी ईच एंड एवरी किंगडम इन डिटेल, स्टार्टिंग विथ किंगडम मोनेरा, ठीक है। सो बेसिक कैटेगरी या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मोनेरा की वो क्या हो सकती है। पहली चीज, दिस ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक्स, बराबर है, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनल्स लाइक मिटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी एपरेटस, प्लास्टिड्स, लाइजोसोम्स एक्सेट्रा आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक्स है, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, जैसे कि मिटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट, गॉल्गी एपरेटस भी प्रेजेंट नहीं है, प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट नहीं है और लाइजोसोम्स भी प्रेजेंट नहीं है। उनका जो खाने का तरीका है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैन आइदर बी ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक। अब उनका जो खाना बनाने के दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, आइदर दे आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हीटरोट्रॉफिक। देन सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल, किसी किसी के ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गे, व्हाइल अदर्स लैक सेल वॉल, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ये वर्ड याद रखना, माइकोप्लाज्मा। और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो एक माइको प्लाज्मा हो गया, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, और यू कैन से साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे मैं डायग्राम में आप लोगों को बता देता हूँ, देखो ये डायग्राम्स है, ठीक है। सो ये बैक्टीरिया हो गया और दूसरा जो है एनेबेना, ठीक है, एनेबेना, और उसको है ना, एनेबेना इज अ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। मोनेरा बहुत ही सिंपल है, मोनेरा में पहली चीज न्यूक्लियस वेल, मतलब ये कैसे टाइप के सेल है, प्रोकैरियोटिक्स, और कैसे प्रोकैरियोटिक्स, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक्स। फिर दूसरी चीज, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है उनके पास, मतलब ना ही उनके पास मिटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्गी एपरेटर्स है, प्लास्टिड्स है, या फिर आपका व्हाट वी से अपना लाइजोसोम्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, उनका खाने का तरीका वो आइदर ऑटोट्रॉफिक हो सकता है और वी कैन से दे आर हीटरोट्रॉफिक। और सम ऑफ देम हैव सेल वॉल एंड सम ऑफ देम लैक्स सेल वॉल। अगर जिनके पास है तो वो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गे, और जिनके पास नहीं है वो है माइकोप्लाज्मा। एंड लास्टली यू नीड टू रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स, वन इज योर माइकोप्लाज्मा, सेकेंड इज योर ब्लू ग्रीन आल्गे, और यू कैन ऑल्सो से साइनोबैक्टेरिया, और यू कैन ऑल्सो से एनेबेना एंड नॉस्टेम। मूविंग अहेड, वी आर गोइंग टू प्रोटिस्टा। सेकेंड टॉपिक इज प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा, या उसको अगर ग्रीक लैंग्वेज में बात किया जाए तो इट इज प्रोटिस्टोस, प्रोटिस्टोस, जिसको ऐसा भी बोल सकते हैं प्रिमिटिव
और वेरी फर्स्ट, ठीक है। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक्स होते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन देम एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स लाइक सेल ऑर्गेनल्स लाइक मिटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सेपक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस भी है, ठीक है, साथ साथ उनके पास क्या चीज है? उनके पास है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिस लाइक मिटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, सेपक्यूल्स है। ओके, देन सम प्रोटिस्ट यूज एपेंडेजिस, ठीक है, एपेंडेजिस का मतलब होता हेयर लाइक सीलिया, और यू कैन ऑल्सो से पैरामीशियम, देन सूडोपोडिया दैट इज अमीबा, और वीप लाइक फ्लैजेला दैट इज नथिंग बट योर युग्लेना फॉर लोकोमोशन। मतलब जैसे अपने पास पैर होते हैं ना, लेग्स, वैसे ही ये प्रोटिस्टा उन लोगों के पास होते हैं अपेंडेजेस, जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो नोन एज सीलिया, या किसी किसी के पास होता है सूडोपोडिया दैट इज जो अमीबा के पास है, और किसी किसी के पास होता है विप लाइक फ्लैजेला फॉर देयर लोकोमोशन। देन उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना आइदर ऑटोट्रॉफिक जिसका एग्जांपल है यूग्लेना, और यू कैन से हीटरोट्रॉफिक जिसका एग्जांपल है पैरामोशियम, ठीक है। एंड एग्जाम्पल अगर बात करें ये क्लास में कौन से को क्लासिफाई किया गया है, तो यूनिसेल्यूलर आल्गे दैट इज योर यूग्लेना, देन डाई एटम्स दैट इज योर नेविक्यूला, एंड थर्ड प्रोटोजोन्स दैट इज अगेन अमीबा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैरामोशियम, ठीक है। अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रोटिस्टा जिसका ग्रीक वर्ड अगर हम लोग देखें तो वो है प्रोटीटोस, या यू कैन ऑल्सो से इसका मीनिंग होता है प्रिमिटिव और द वेरी फर्स्ट। देन अब प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स है। उसके अलावा ठीक है, उनका उनके पास न्यूक्लियस है, उनके पास सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है जस्ट लाइक मिटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। देन किसी किसी प्रोटिस्टास के पास अपेंडेजेस होते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सीलिया, देन स्यूडोपोडिया होता है जैसे अमीबा, एंड विप लाइक स्ट्रक्चर होता है या फ्लैजेला होता है जिसको यूग्लेना, यूग्लेना जो वर्ड एक काइंड ऑफ अमीबा जैसा होता है वो यूज करते हैं फॉर लोकोमोशन। और उनका खाने का तरीका आइदर ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक अगर बात करें तो वो यूग्लेना है, और हीटरोट्रॉपिक अगर बात करें तो वो है पैरामोशियम। एंड एग्जाम्पल्स अगेन मैं बता देता हूँ, यूनिसेल्यूलर आल्गे जो और कोई नहीं लेकिन यूग्लेना है, डाई एटम्स और कोई नहीं लेकिन नेविक्यूला है, एंड प्रोटोजोन्स मतलब कि अमीबा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैरामोशियम। यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ये देखो ये पैरामोशियम है, ठीक है। और ये पैरामोशियम जो है यहाँ पे ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सीलिया जो अपने लोकोमोशन के लिए काम करता है, बराबर है। देन आप लोग सूडोपोडिया देखना चाहोगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो ये इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये आप लोगों को यहाँ पे एरो भी दिखेगा, उसको बोलते हैं एडवांसिंग सूडोपोडिया। देन ये वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग वैक्यूल, ये वाला जो है उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, ओके, एंड दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ यहाँ पे यूग्लेना आई गेस स्ट्रक्चर नहीं दिया है, या दिया है, ओके, यूग्लेना। तो ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फ्लैजेला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फ्लैजिला, और यू कैन से वीप लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला, ठीक
ठीक है, देन वो लोकोमोशन के लिए यहाँ पे ये जो है ना, ये वाली चीज वो है क्लोरोप्लास्ट, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ओके, गॉट इट। मूविंग अहेड नाउ, फंगाई। तो फंगाई क्या है? इट इज अ मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक, ठीक है, इट इज अ मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक्स विदाउट सेल वॉल इन देम, ठीक है, सॉरी विथ सेल वॉल इन देम, बट दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वापस मैं बोल रहा हूं, फंगाई, फंगाई किस तरह से है? ये है पहले तो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक्स विथ सेल वॉल एंड दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट मींस दे आर हीटरोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। देन दे मे बी यूनिसेल्यूलर, जैसे कि अपना यीस्ट हो गया वो यूनिसेल्यूलर है, और फिलामेंटस, फिलामेंटस मीन्स मल्टी सेल्यूलर विच इज मोस्ट फंगाई। मैनी ऑफ देम हैव अ कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ। सम आर पैरासिटिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड पैरासिटिक? तो पैरासिटिक मतलब डिपेंड्स ऑन होस्ट फॉर देयर फूड, सच एज प्यूकिना एल्बुगो, ठीक है, एक स्पीशीज है, फंगाई का एक टाइप है या एग्जाम्पल है, उसको पैरासिटिक बोलते हैं क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन होस्ट फॉर देयर फूड, जैसे कि प्यूकिना हो गया, एल्बुगो हो गया और उस्टिलगो हो गया। While some are saprophytes, ये दोनों वर्ड्स याद रखना है, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइट्स। पैरासिटिक्स मतलब डिपेंड्स ऑन होस्ट ऑन फॉर देयर फूड, एंड सेप्रोफाइट्स यूज डीकेइंग मटीरियल, ऑर्गेनिक मटीरियल एज फूड, सच एज म्यूकर एंड मशरूम। म्यूकर, और यू कैन ऑल्सो से इट एज अगारिकस, ओके, म्यूकर और अगारिकस। उनके जो सेल वॉल है, दैट इज मेड अप ऑफ वेरी टफ कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल्ड चिटिन, ये वर्ड भी याद रखना, कॉल्ड चिटिन, और यू कैन ऑल्सो से इट एज फंगल सेल्यूलोज, एग्जाम्पल यीस्ट, ठीक है, एंड मशरूम्स। देन सम फंगाई लिव इन परमानेंटली म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशन विथ ब्लू ग्रीन एल्गे, एंड दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस, एंड दिस सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लीचेंस और ड्यूअल ऑर्गेनिजम्स। दिस आर सीन स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर पैचेस ऑन ट्री बार्क्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। एंड आल्गे जो है प्रोवाइड्स द फंगस विथ फूड, वेर एज फंगाई प्रोवाइड्स इट सेल्टर। तो आल्गे और फंगाई एक दूसरे को हेल्प करते हैं, क्योंकि आल्गे जो है फंगाई को खाना देता है, तो फंगाई आल्गे को शेल्टर देता है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू फंगाई। तो फंगाई कैसा है? एक तो हिटरोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक सेल है, वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं या तो फिलामेंटस हो सकते हैं। यूनिसेल्यूलर मतलब कि आपका यीस्ट। मैनी ऑफ देम हैव कैपेसिटी टू बिकेम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेज ऑफ देयर लाइव्स, एंड सम ऑफ देम आर पैरासिटिक, मतलब खुद खाना बना सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ देम आर पैरासिटिक, जिसका मतलब है डिपेंड्स ऑन होस्ट फॉर देयर फूड्स, एंड सम ऑफ देम, ये देखो ये सारी फंगाइज हैं, एंड सम ऑफ देम आर सेप्रोफाइट्स, जिसका मतलब यूजिंग डीकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल एज फूड, सच एज म्यूकर और यू कैन से अगारिकस, दैट इज योर मशरूम, ठीक है। नाउ इनकी जो सेल वॉल है, दैट इज मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर विच इज ऑल्सो नोन एज चिटिन, उसको क्या बोलते हैं? चिटिन। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो उसका है यीस्ट एंड मशरूम्स, और उनके अगर आप लोग चीटिन का दूसरा भी नाम सुनना चाहो तो चीटिन का दूसरा नाम है फंगल सेल्यूलोज, ये याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। देन सम फंगाई लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विथ ब्लू ग्रीन आल्गे। तो फंगाई और ब्लू ग्रीन आल्गे एक साथ जो रिलेशनशिप बनाते हैं
या उसको साइनोबैक्टीरिया भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन को हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं, और ये सिम्बायोसिस कौन फॉर्म करता है? लीचेंस, और यू कैन से इट एज ड्यूअल ऑर्गेनिज्म। ये लीचेंस जो है वो आप लोगों को बार्क ऑफ ट्रीज पे देखने को मिलता है, हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 14 में देखा है। एल्गे प्रोवाइड्स द फंगस विथ फूड, वेयर एज फंगाई प्रोवाइड्स देम अ शेल्टर। मूविंग अहेड, देन लास्ट टू किंगडम्स आर देयर, वन इज योर किंगडम प्लांटे एंड अनदर इज किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो किंगडम प्लांटे क्या है? तो ये है मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक्स विथ सेल वॉल प्रेजेंट इन देम। बराबर है, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि वो लोग फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। उनका जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूज होता है जब तक कि वो मरे नहीं। दे आर ऑलवेज फिक्स्ड, ये भी खास याद रखना, दे आर ऑलवेज फिक्स्ड एट वन साइड एंड कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स। मतलब दे आर इमोबाइल और दे आर नॉन लोकोमोटिव। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे मैंने बताया, ऑटोट्रॉफिक, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो प्लांटे बहुत ही सिंपल है। अगेन मैं अगर मैं आपको बता दूं, दे आर यूकैरियोटिक्स मल्टी सेल्यूलर विथ सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फिर उनके जो उनका जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होता है एंड कंटिन्यूअस टिल देन। देन दे आर ऑलवेज फिक्स, या यू कैन से दे कैन बी स्पॉट एट ओनली वन पोजिशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव फ्रॉम लाइक एनिमल्स। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। एंड लास्ट किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में आप लोगों को पता होगा कि दिस आर ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक्स बट विदाउट सेल वॉल। ठीक है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। मोस्ट ऑफ देम कैन मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हीटरोट्रॉफिक, मीन्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स और प्लांट्स फॉर देयर फूड। अगेन एनिमलिया एक्सप्लेन करता हूं। सो एनिमलिया ये कैसे है? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक्स विदाउट सेल वॉल, उनका डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। मोस्ट ऑफ देम कैन मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हीटरोट्रॉफिक, दैट इज दे डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स और प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो यहाँ पे हम लोग आज का आपका सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर लिसनिंग दिस एंटायर वीडियो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। प्लीज गो थ्रू दिस एंटायर वीडियो एंड इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज संकेत पुरोहित, एज वेल एज प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन नॉट मिस एनी काइंड ऑफ वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय बच्चों।